किसी का ये ऐसे बैनर वो थोड़ा करना है। तो आज का मैं अपना कार्यक्रम नहीं करवाऊंगी, बहुत मेरा मूड ऑफ हो चुका है। मैं खेत में आ चुकी हूँ, मैंने सोचा क्योंकि एक ही खेत भी कर लूँगी तो जल्दी जल्दी से लोबिया साइड यहाँ पर बन रहा है हमारी दाल, चूल्हे में दाल मम्मी बहुत अच्छी बनी है और इसमें बना रही हूँ। आज मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में गए हैं, यहाँ बच्चों के साथ बैठे हैं हम लोग, ये इनके अभिभावक हैं और हमें भी यहाँ पर अपने पुराने आंगनवाड़ी वाले दिन याद आ गए जिसमें हम स्लेटों में लिखा करते थे। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। सबसे पहले तो आप सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है निर्मला नेगी, मैं देवभूमि उत्तराखंड के चंपा जिले के एक छोटे से गांव रुदमाली गांव से स्वागत करती हूँ आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल निर्मला नेगी ब्लॉग पर। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध पहुँचाने, आज मुझे फिर से जाना है स्कूल में, बच्चों को प्रोग्राम करवाने हैं तो देखते हैं कौन से स्कूल जाता है। शायद मैं आज अपने प्राइमरी स्कूल में जाऊंगी जहां मैंने कक्षा 3 तक पढ़ा था। अभी का मौसम दिखा दो तो आज मौसम सुबह से होने लग गया है ख़राब, धुंधली जैसी धूप आ रखी है। तो अभी चलती हूँ और उसके बाद कुछ देर बाद मिलूंगी आपको। दोस्तों अभी मैं झड़पत्तिया पहुंच गई हूँ, दूध तो तोल दिया लेकिन मेरे को यहाँ पर 1 घंटा हो गया है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं परसों यहाँ इधर वाले स्कूल में गई थी तो छुट्टी हो गई थी तो जल्दी जल्दी मैं बैनर वहीं पर छोड़ गया था मेरा स्कूल में, तो स्कूल के मैम ने बच्चों के हाथ बैनर भिजवाया था कल को। कल यहाँ अंकल थे उनके बच्चों ने सुबह यहाँ पर बैनर रखा था। ये निशान है, ये दूध का जर्किन है, दूध का जर्किन तो किसी ने उठा रखा था, इसके नीचे वो पत्थरों से दबा के निशान वो बैनर रखा था, उतना बड़ा बैनर था लेकिन यहाँ से हो गया है वो चोरी। तो गुस्सा इतना आ रहा है ना कि कम से कम किसी को बैनर चाहिए भी तो पूछ लेना चाहिए, या क्या कहते हैं अगर ऐसे किसी का भी बैनर उठा लेना अब मेरे को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं नया बनवाऊंगी तो सर लोग तो मेरे को डांटेंगे, कहीं और जगह पता किया तुम्हारे पास है, किसी के पास वो वाला बैनर है नहीं क्योंकि उसमें डेट वगैरह और हमारा कार्यक्रम का नाम लिखा रहता है। अब मैं जा रही थी अभी इस इधर साइड से मड़ वाले स्कूल में जा रही थी अपने प्राइमरी स्कूल में पुराने, और ये देखो शील्ड वगैरह लेके गई थी इसमें, ये देखो बच्चों के लिए शील्ड वगैरह दे गई थी, मैंने बोला उनको वो क्या कहते हैं जीतेंगे तो उन तो ये प्राइज है शील्ड वगैरह, मुझे इनको लेके और बच्चों के लिए इतने शील्ड वगैरह लेगी थी। मेरे पास 4-5 सेट शील्ड के बचे हैं क्योंकि मुझे 4-5 कार्यक्रम करवाने थे और बच्चों के लिए मैं बिस्किट वगैरह ले गई हूँ, 40-50 बिस्कुट भी लेके आई हूँ और मुझे इतना नुकसान हो गया। एक तो बैनर का नुकसान हो गया, 700-800 का बैनर था वो बनाना पड़ेगा। दूसरा मेरे ये शील्ड है 1000-2000 के शील्ड और बिस्किट वगैरह, मतलब मेरे को 2-3 हज़ार का नुकसान हो गया एक बैनर की वजह से। ये शील्ड भी अब नया बैनर बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये शील्ड भी क्या कहते हैं मैंने अपने घर से पैसे देने हुए, क्योंकि जब तक कार्यक्रम नहीं करवाएंगे तब तक हमें वहाँ से बिल हमारा पास नहीं होगा कि बिना बैनर के हम कार्यक्रम करवा नहीं सकते। तो बहुत गुस्सा आ रहा है अभी कि ऐसे मतलब कोई भी 2-3 लोग मुझे लग रहा था कि उन लोगों, अब उस टाइम पता नहीं था कि मेरा बैनर खो गया, मैंने सोचा कि क्या पता बच्चों के पास हो। अभी बच्चों से पता किया तो वो बोल रहे दीदी हमने बल यहाँ पर अच्छे से रखा था, कहीं उड़ेगा वो करेगा, पत्थर से दबाया था। तो लोगों को शर्म करनी चाहिए यार, क्या कहते हैं किसी का काम रुक जाता है किसी के और बैनर उठा के चल दिए हैं, उनके लिए चाहिए तो बैनर क्या कर। कोई लोग मुझसे मांगते हैं अब बैनर चाहिए भी तो, कोई बोल रहे हमें छत के लिए चाहिए, कोई कह रहे दुकान के लिए चाहिए, तो खरीद लो ना किसी का ये ऐसे बैनर वो थोड़ा करना है। तो आज का मैं अपना कार्यक्रम नहीं करवाऊँगी, बहुत मेरा मूड ऑफ हो चुका है। 1.5 घंटा हो गया यहाँ, मैंने पूरा छान मारा है ये पूरा, कोई बोल रहे थे कहीं उड़ा होगा तो पूरा छान मारा इधर साइड तो मेरे को कहीं नहीं मिला। वो अभी 1 घंटे पहले रखा था यहाँ पर, 2-3 लोग आए थे लेकिन बहुत समझ सकते हो कितना गुस्सा आ रहा होगा। मैं तैयार होकर अपने स्कूल में जा रही थी, 3-4 हज़ार का नुकसान हो रहा है मेरे को उस बैनर की वजह से। दोस्तों आज हम आए हैं आंगनबाड़ी के स्कूल में, यहाँ पर दिखाते हैं बच्चों की एक्टिविटी। आज मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में गए हैं, यहाँ बच्चों के साथ बैठे हैं हम लोग, ये इनके अभिभावक हैं और हमें भी यहाँ पर क्या है आज बच्चों का दिन है ये देख सकते हो।
हेलो करो, ऐसा करो, बच्चे को सुनिए और ऐसे करो। तो यहाँ से हम ले जा रहे हैं बाल पोषण योजना के अंदर केले के चिप्स है, इनको खा के देखते हैं कि इनका टेस्ट किस प्रकार है। आंगनवाड़ी में पढ़ाई करने के बाद अब हम आ गए हैं घर की ओर, मैं और मेरी दोस्त आ रही है पीछे पीछे। लेकिन हमें इस अपने पुराने आंगनवाड़ी वाले दिन याद आ गए जिसमें हम स्लेटों में लिखा करते थे। हाँ, और वहाँ पर हम खाते थे सत्तू के बिस्कुट। यार उन बिस्कुटों याद उसे कहते यहाँ पर बन रहा है हमारी दाल, चूल्हे में दाल मम्मी बहुत अच्छी बनी है, और इसमें बना रही है मम्मी चावल। अभी दोपहर के 4 बजे हैं और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं तो सोई थी, ताकत ही नहीं है, गर्मी सहन नहीं हो पाती। अभी मम्मी भी सोई है, मम्मी बोल रही है चाय बनाना फिर मेरे को उठाना। तो इतनी बाहर जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं है, कई ज़्यादा गर्मी हो रही है आज, गर्मी से वैसे ही हालत ख़राब हो रही है मेरी। इतनी गर्मी, पहली बार इतनी गर्मी हो रही है बाहर, देखो क्या धूप लग रही है जोर शोर वाली। गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, तो इसके बाद हम अंदर खाना पीना खाने के बाद हम बाहर निकले ही नहीं, कई ज़्यादा गर्मी हो रही है। गाय बकरियाँ बांधती थी, तो अब शाम को निकलेगी मम्मी खेत के लिए, बाहर से ज़्यादा गर्मी अंदर हो। दोस्तों अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं, दिन ढल चुके हैं और मम्मी गई है अभी घास काटने को। मेरी मम्मी बोल रही थी जब तू कुछ भी काम करती है तो वहाँ पर बैनर एक बार कोई जो ड्राइवर वगैरह आए थे उनको देख तो सकती थी, थोड़ा नज़र तेज़ रखा कर, बोल रही थी। क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं 2-3 जगह से बैनर पता करने की बोल वो सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ जो हमारे साथ में और काम करते हैं उनके पास होगा, लेकिन वो अभी दूर है तो अब पता नहीं क्या होता है, फिर देखते हैं। तो मम्मी बोल रही है अभी तक मैं रजिस्टर बना रही थी, आज तो गर्मी से हाल बेहाल था और अभी मौसम बढ़िया हो रखा है। मम्मी घास बनाने गई है और मुझे जाना है अभी खेतों में। मम्मी बोल रही है जो सोटी है उसको, सोटी को खेत में पूरा कर किया। सोटी का डिब्बा तो पकड़ लिया है, एक बार आपको इसके दाने भी दिखा देती थी, इसके दाने कैसे होते हैं। ये है सोटी, इसके दाने इस प्रकार से होते हैं, ये देख सकते हो। तो इसकी दाल बनाई जाती है और अभी मैं जा रही हूँ धार में, मतलब मैं सोच रही हूँ क्या पता एक ही खेत भी हो जाए, तो एक एक दो खेत तो हो गए, एक एक करके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मैं चल दी हूँ अभी खेत को शाम के टाइम। अभी का मौसम तो बड़ा ही प्यारा हो रखा है और अभी का व्यू आपने देख ही लिया होगा पहाड़ों का, अभी शाम का और सुबह का तो बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है। और खेत अभी एक ही खेत भी पूरा हो जाए तो मैं सुबह से मैं आज वीडियो अपलोड नहीं करी, दिन में तो गर्मी इतनी थी मेरा मन ही नहीं था एडिट करने का, लेकिन बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वीडियो आधी अधूरी अपलोड होती है, उसके बाद शुरू से वो नेट लेने लग जाता है। तो अभी मैं वीडियो अपलोड करने के लिए फ़ोन रख के आई हूँ अपने यहाँ धार में, जहाँ पर हमारे केले के पेड़ है, यहाँ पर थोड़ा नेट चलेगा। लेकिन फ़ोन को देखो मैं ऐसे रख के आई हूँ, ये है, अगर वीडियो अपलोड होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो चार्ज भी कम है मेरा, 5% चार्ज बचा है और वीडियो अभी अपलोड नहीं हो रखी है, तो देखते हैं क्या होता है। खेत में आ चुकी हूँ, मैंने सोचा क्योंकि एक ही खेत भी कर लूँगी तो जल्दी जल्दी से लोबिया साइडों में जल्दी जल्दी बो देती हूँ। पूरा ये ऐसे लाइन दे के इसको मिट्टी से ढक भी दूंगी मैं पूरा, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी से नहीं ढकूंगी तो चिड़िया खा जा रही है ऊपर से, दाने पूरे चिड़िया खा जा रही है इसके।